मेड ऑफ मिस में आ चुके हैं बोर्ड में और अब हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ नायग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क साइड में, मतलब यूएस के साइड में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के कौन कौन से मेजर अट्रैक्शंस हैं और नायग्रा फॉल कैसा दिखता है और कैसे आप जा सकते हैं और कैसे वहाँ क्या क्या इंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स गो। डे वन में हम कवर करने वाले हैं मेड ऑफ द मिस्ट एक्टिविटी, फिर डे टू रहेगा केव ऑफ द विंड्स एक्टिविटी, और फिर उस दिन हम लोग पार्क में थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद फॉल के पास रहेंगे एंड देन हम लोग क्लोज आउट करेंगे। तो गाइस, पार्किंग के लिए आप सीधा अंदर पार्क के आ जाएं और यहाँ पे पार्किंग अच्छी है, काफ़ी कम भी है और काफ़ी सेफ है। तो अब हम आ चुके हैं पार्क में और यहाँ से जाएंगे हम मेड ऑफ द मिस्ट। ये केव ऑफ द विंड्स है लेकिन ये डे टू में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, जो ये सामने आप देख रहे हैं ये नायग्रा फॉल ही है। जैसे ही हम केव ऑफ द विंड्स के पास से निकलते हैं तो ये फ्रंट व्यू दिखता है नायग्रा फॉल का और ये बहुत अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ से पानी कनाडा की तरफ गिर रहा है और ये बहुत ही शानदार है। मिस्ट पूरा आपके चेहरे तक आता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं पार्क के दूसरे हिस्से में जहाँ पर है मेड ऑफ द मिस्ट। तो केव ऑफ द विंड्स से मेड ऑफ द मिस्ट जाने के लिए आपको एग्जैक्टली 10 मिनट लगते हैं बाई वॉक। तो जब हम मेड ऑफ द मिस्ट की तरफ जाते हैं तो ये दो नदियाँ मिलती हैं, पुल मिलता है बेसिकली, और ये नदियाँ जाके अमेरिकन फॉल्स में गिरती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और ये साउंड बहुत ही ऑसम है। तो ये है टिकट काउंटर फॉर मेड ऑफ द मिस्ट और ये आप देख सकते हैं रेट्स भी लिखे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं अपनी लाइन में रुका हुआ हूँ जस्ट टू सी कब मेरे को टिकट मिलती है। आज काफ़ी भीड़ है, फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत ही कम है नॉर्मल समर्स के मुकाबले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडल्ट्स का प्राइस है $25.25 और चिल्ड्रंस का है $14.75 और ये है यहाँ का प्राइस।
और अगर आपको मेड ऑफ द मिस्ट नहीं करना है, सिर्फ डेक में जाके फॉल्स इंजॉय करना है, तो आप सिर्फ $1.25 दे के जा सकते हैं बड़े आसानी से। और ये है देखिए एक व्यू, ग्रैंड व्यू मैं कहूँगा, अमेरिकन फॉल्स, नायग्रा फॉल्स, और उस तरफ है कनाडा। और ये जो फॉल आप देख रहे हैं जो अभी सामने हैं, इसको कहते हैं अमेरिकन फॉल्स, क्योंकि अमेरिकन साइड में गिरती है नायग्रा नदी। और ये बहुत ही प्यारा लगता है, यहाँ से ये सीनरी देखते ही बनता है। और वो जो दूर में आपको मिस्ट दिख रहा है, वो मिस्ट एक्चुअली नायग्रा फॉल का है। और ये है वो बोट जिससे हम लोग जाएंगे नायग्रा फॉल के बीच तक, उसे कहते हैं मेड ऑफ द मिस्ट। तो आगे आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है, तब तक एंजॉय द व्यू। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे इस एलिवेटर से, तो मेड ऑफ द मिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक बोट टूर है जिससे आप नायग्रा फॉल के एकदम मिड में जा सकते हैं और वहाँ से आप नायग्रा फॉल का मिस्ट और फॉल एंजॉय कर सकते हैं। वो रेड वाली जो बोट दिख रही है वो कनाडा की है, और इधर जो है ब्लू, जिसमें आपको ब्लू रेनकोट पहने दिखेंगे लोग, वो अमेरिका के। और ये है रास्ता मेड ऑफ द मिस्ट जाने का। तो ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है सामने, ये US और कनाडा को जोड़ता है, और इसे रेनबो ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो मेड ऑफ़ द मिस्ट में जाने से पहले हम लोगों को रेनकोट दिए जाते हैं, नॉर्मल पॉलीथीन के होते हैं ये, टिकट प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं। और ये रही हमारी बोट जिसमें हम लोग जाने वाले हैं नायग्रा फॉल के मिड में। तो देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी बोट है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बोट के ऊपर निकोला टेस्ला लिखा हुआ है, तो ये ग्रेट साइंटिस्ट को एक ट्रिब्यूट है। और वो जो सामने से दिख रहे हैं रेड कलर वाले, वो कैनेडियंस हैं, कनाडा की साइड से आए हुए हैं मेड ऑफ द मिस्ट का मज़ा लेने। कनाडा का साइड आप देख सकते हैं, उनका सिटी नायग्रा टूर है जैसे हमारा मेड ऑफ द मिस्ट है, वो तब चल चुकी है। और ये जो पहला फॉल दिख रहा है, ये अमेरिकन फॉल है, जो देख के मज़ा आ जा रहा है। ये एक अमेरिका की तरफ है नायग्रा का फॉल। वहाँ से हम लोग आए थे दोस्तों, बहुत
इतने पास से फॉल को देखना बोट से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये बहुत ही देखने लायक चीज़ है। तो अब हम बढ़ रहे हैं मेन फॉल की तरफ। अमेरिकन फॉल सब पीछे छूट रहा है, आगे देखते हैं जो मेन नायग्रा फॉल है जिसके लिए हम आए हैं, देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं आगे नायग्रा फॉल्स। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नायग्रा फॉल्स और ये देखिए कितना प्यारा और कितना विशाल फॉल है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख के। इट्स वंडरफुल, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो अब मेड ऑफ द मिस्ट का टूर ख़त्म हो चुका है, वापस से डेक की तरफ जा रही है बोट, अब हम लोग वहाँ पे उतर जाएंगे। Like this video and subscribe to my channel. तो अब day 2 में हम लोग देखेंगे cave of the winds कैसा है।